नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। भले ही सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में पुलिस के ऊपर कई सारे जिम्मेदारी सौंपी हो, लेकिन इसके बाद जिस तरह के रवैये पुलिस कर्मी की देखने को मिल रही है, इससे हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि ये वही पुलिस है जो मंत्रियों से डरती है और जनता के ऊपर अपनी धौसगिरी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज एक ऐसी ही वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस की तरफ से छापेमारी की जा रही है, शराब के तस्करों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की निजता का भी हनन हो रहा है, उनके निजी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। और यही वजह है कि शादी समारोह में जबरदस्ती पुलिस घुसकर छापेमारी करती है। जी हाँ, ऐसी ही एक वीडियो पटना के राजीव नगर थाने इलाके से निकलकर सामने आई है, जहां पर पुलिस जबरदस्ती शादी में तो घुसती ही है, साथ ही साथ दुल्हन के कमरे में जाकर एक एक चीज की तलाशी लेती है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां से पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता, शराब की एक भी बोतल उसे नहीं पकड़ी जाती है, लेकिन ये जो जबरदस्ती की गुंडागर्दी है वो बिहार पुलिस की देखने को मिली। बता दें कि कल सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई ऐसे वीआईपी और मंत्री के घर भी शादी था, जहां पर वीआईपी लोग पहुंचे हुए थे, कई मंत्री शामिल थे, लेकिन पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहां कि वो किसी मंत्री या विधायक के घर जाकर छापेमारी करे। और यही वजह है कि जनता के घर में जबरदस्ती घुसकर, आम लोगों के घर में जबरदस्ती घुसकर ये जो छापेमारी का वीडियो है वो इस वक्त सामने आया है, जहां पर पटना पुलिस की ये जो गुंडागर्दी और तानाशाही है, दादागिरी हम इसे कह ले, वो देखने को मिली। आप तस्वीरों में देखिए, साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से दुल्हन के कमरे में जबरदस्ती पुलिस घुस जाती है और इस तरह से वहां पर छापेमारी उसकी तरफ से की जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद ताबातोड़ छापेमारी पुलिस की तरफ से भले ही की जा रही हो, लेकिन अब तक एक भी मंत्री और विधायक के घर पर छापेमारी इस बिहार पुलिस की तरफ से नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ आम लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, आम जनता पर कार्रवाई की जा रही है। और यही वजह है कि सवाल बिहार पुलिस के कार्रवाई पर उठता है, उनके काम पर उठता है। ऐसे में ये जो वीडियो है वो इस वक्त सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दुल्हन के कमरे में जबरदस्ती जाकर ये जो छापेमारी है वो की जाती है। बता दें कि कल जो है कई सारे जगह शादियां थी, मंत्री हो, विधायक हो, वीआईपी लोग हो, हर किसी के घर में शादी समारोह था, हर किसी के घर में जो है फंक्शन चल रहा था, लेकिन वहां पर एक भी पुलिस कर्मी नजर नहीं आए। तो वहीं आम लोगों की निजता का हनन करते हुए पुलिस की तरफ से ये जो छापेमारी है वो की गई। और सबसे बड़े चौंकाने वाली बात ये है कि बिना किसी महिला पुलिस के ये कार्रवाई जो है वो की गई है। दुल्हन के कमरे में जो है पुलिस चले जाते हैं, छापेमारी करते हैं, एक एक सामान को उठाकर देखते हैं, जहां पर एक भी महिला पुलिस जो है नजर नहीं आती। और यही वजह है कि आज इस वीडियो को हम आपके सामने लेकर आए हैं, पुलिस की जो ये दादागिरी है वो दिखाने के लिए हम आपको जो है ये वीडियो दिखा रहे हैं कि आप खुद देखिए कि किस तरह से बिहार पुलिस काम करती है और किस तरह से मंत्री और विधायक के इशारों पर नाचते हुए उनके घर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहां भी शादी समारोह चल रहा था, वहां पर ना जाते हुए सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के जो निजता है उसका जो है हनन करते हुए, आम लोगों की निजी जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए ये छापेमारी जो है वो पटना के राजीव नगर थाना इलाके से देखने को मिली, जहां पर ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। हालांकि इस पूरे छापेमारी में कहीं से भी शराब की कोई बोतल नहीं पाई गई, ना ही वहां पर कोई महिला पुलिस कर्मी थी। तो ये बेहद ही चौंकाने वाला जो वीडियो है वो सामने आया है, जिसके बाद न्यूज फॉर नेशन आपको ये खबर दिखा रहा है कि आप खुद देखिए कि किस तरह से बिहार में
पुलिस प्रशासन अपनी दादागिरी दिखाती है, धौंस दिखाती है और यही वजह है कि मंत्री विधायकों के इशारे पर नाचते हुए, उनके उंगली पर नाचते हुए सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के ऊपर जो इस पुलिसिया कार्रवाई है वो की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।